मुझे ना पता बता बाबा, मुंह तो तुम्हारा है ही ना, फिर ये आवाज कहां को आ रही है? अपने काम से काम रख, मेरे अंगों पे ध्यान मत दे। बता क्या दिक्कत है? बाबा बताओ फिर, किस्मत कैसे बदले? हाथ दिखा, ये रेखाएं तो तेरी घिसी पड़ी है। लेट जा, पैर की दिखा। सुबह को उठ के सबसे पहले क्या देखता है? मोबाइल देखता हूँ बाबा। मत देख, चार्जर देख, उससे तेरा पूरा दिन चार्ज जाएगा और तू लानती से और जलालत से बचेगा। ठीक है बाबा। जा, सुन, 50 रुपए न दिया आज के। लो बाबा। सुन, कल के 10 भी रह गए हैं। लो बाबा। जा और गेट बंद करता हुआ जाइयो, कल तेरी वजह से कुत्ता घुसगा घर में, मेरा दूध पीगा। जा कुत्ते, कुत्ते जा। कल से मेरे जलील होने के दिन खत्म। सुबह उठते ही चार्जर पे नजर मारूंगा, दरवाजा लगा दूं। आज मेरी ये जलालत की आखिरी रात है। सुबह उठते ही इज्जत की जिंदगी जीऊंगा मस्त, और मोबाइल तुझे नहीं, तुझे देखूंगा चार्जर। अब सो जाता हूं। याद रहे, मोबाइल नहीं चार्जर देखना है। हाँ दोस्त। अरे तुझे याद है ना, आज शाम को पार्टी में चलना है। हाँ भाई मुझे याद है। शाम को 6 बजे गली के कोने पे आके खड़ा हो जाऊंगा भाई गाड़ी लेके। अगर टाइम पे नहीं पहुँचा ना तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ भाई। ना तुम गाड़ी में तेल डलवाते, रास्ते का खर्चा भी मैं उठाता हूँ, तुम्हारे सिगरेट पीड़ी पानी का। तो नवाब मत बनना, टाइम से आ जाना, नहीं छोड़ के चले जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगा। और अच्छा हुआ तूने मुझे फोन कर दिया, मुझे कपड़े भी लेके आने। चल ठीक है। यार बाबा ने तो कहा था सुबह उठते ही चार्जर देखियो, जलील होने से बचेगा। ये तो सुबह उठते ही दोस्त ने जलील कर दिया मेरे। खैर यार, चल मेरा दोस्ती तो है वो, क्या पता दोस्ती में ऐसी होती हो। इरफान, मैंने ऐसी गुर्बत में दिन गुजारे, एक एक दिन के 50,000 उड़ावे क्लबों में। गुड मॉर्निंग बाबा। अरे उठ गई मेरी गलती। हाँ बाबा उठ गया। वैसे तू अगर परमानेंट भी ना उठे ना बेटे, तो मुझे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। इरफान, ऐसी निखट्टू औलाद होने से तो अच्छा है कि ये सोई की सोई रह जा। मैं बड़ा खुश इरफान। अरे पापा, तुमने भी सुबह सुबह उठते ही सुनाना चालू कर दिया। सुबह सुबह टाइम देखे जरा एक बार। 5 ही तो बजे हैं। 5 बजे हैं सुबह के, और तुमने इतनी सुबह उठते ही मटर छीलना कैसे शुरू कर दिया? सुबह के 5 ना है ये शाम के 5। जा जा। देख रहा है इरफान मुझे कैसा सता रखा है इसने। यार इस बाबा की बात में जरा सी भी मुझे सच्चाई नहीं नजर आ रही। सुबह उठते ही दोस्त ने जलील कर दिया, अब मेरे बाप ने जलील कर दिया। बाप? चल यार बाप ही तो है, क्या पता बाप बेटे के रिश्ते में ऐसे होती हो। चल यार मैं भी क्या सोच रहा हूँ, कपड़े लेके आता हूँ जाके। हंसी का कार्टून। भाई एक जोड़ी कपड़े दो यार अच्छे से। भाई दो, हंस क्यों रहे हो? पागल ही दिख है। ओ भैया देख, उसने तो दिए ना कपड़े, तू ही दे दे एक जोड़ी अच्छे से कपड़े। भाई दीवाने क्या हुआ, देगा या ना? लो भाई मेरी पसंद के ले जाओ, अल्टीमेट कपड़े, और पैसे वहां कटवा देना। हाँ अच्छे हैं। लो भैया ले लिए मैंने एक जोड़ी कपड़े, क्या पैसे देने? इनके आप दे दो 2,000 रुपए। 2,000 रुपए? अरे यार आपसदारी में थोड़ी बहुत गुंजाइश तो हो ही जाएगी। ये लो तुम एक काम करो, ये 1,400 रुपए पकड़ो। 1,400 रुपए में बात नहीं बनेगी भाई, ये 2,000 रुपए के कपड़े यार, यार दुकान चला रहे हैं, फकीर थोड़ी ना है यार, पता नहीं कहाँ से आ गए। पकड़ो इन्हें 2,000 तो पूरे। यार भाई ऐसे सबके सामने जलील तो मत करो यार, भिखारी बोल रहे हो बताओ यार। यार इस दुकान वाले ने भी मुझे जलील कर दिया यार, क्या पता यार दुकानदारी में ऐसे जलील करते हो। अरे यार तुम छोड़ो, एक काम करो, लो 1,500 रुपए ले लो। ओ देख रहा है इन्हें, ये 2,000 के कपड़े के 1,500 दे रहे हैं, बता। अबे क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, जब औकात नहीं होती इतनी महंगी दुकानों में चढ़ने की तो क्यों चढ़ते हो? 2,000 रुपए हो गए तुम्हारे, 2,000 दो और भागो यहाँ से। भाई कौन है ये,
ये सेल्समैन है हमारा। सेलमैन है ये? हाँ। सेलमैन ने भी जलील कर दिया, और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जलील कर रहे हैं। चल यार क्या पता है सेलमैन की जॉब में भी जलील होते हो। लो भाई तुम एक काम करो, ये 500 रुपए और पकड़ो, 2000 हो गए तुम्हारे पूरे। लेकिन भाई ऐसे किसी को जलील मत करा करो। तो तुम जलील ज्यादा ही हो रहे हो क्या भाई? हाँ भाई। तो तू एक काम कर, मास्टर जी की छत पे ना ठीक दोपहरी में बाबा ब्लैक एंड व्हाइट बैठते हैं, उनसे जाके मिल, वो जरूर तेरे को कोई ऐसे समाधान बताएंगे जिससे तेरी जिंदगी में से जलालत खत्म हो जाएगी। बाबा वही है क्या जिनके बाल काले हैं और दाढ़ी सफेद है? सुबह ही मिल के आया हूँ मैं उनसे, इतनी जलालत जिंदगी में आज तक कभी नहीं सही मैंने जितनी आज हो गई है मेरी। मारगा दोस्त है इसलिए मारगा। आई होगी मार।